हांसी में अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में जिला नगर योजनाकार की टीम ने दो अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा भी चलाया। इन अवैध कॉलोनियों में बनी चार दीवारी नींव व सड़कों को तुड़वा दिया गया है और पिछले महीने ही टीम ने यहां पर अवैध कॉलोनियों के बोर्ड टांग दिए हैं। इसके बावजूद भी निर्माण कार्य न रुकने पर टीम ने एक्शन लिया है। वहीं कार्रवाई के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार राजेंद्र को भी नियुक्त किया गया है। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं सहायक डाउनटाउन रणवीर सिंह ने बताया कि हांसी में किसी भी कीमत पर अवैध कॉलोनियों को नहीं बख्शा जाएगा और ना ही उन्हें बसने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृष्ण प्रमाणी स्कूल के पास बनी अवैध कॉलोनियों से जेसीपी द्वारा बनी चार दीवारी व प्लांट की नींव को तोड़ दिया गया है। एक तो परनामी स्कूल का नाम है कृष्णा प्राम नामी स्कूल के साथ एक अवैध कॉलोनी पनप रही थी, उसको रिमूव करके आए हैं। उसको पहले भी हमने रिमूव किया था एक बार और आगे भी अगर पनपेगी तो उसको फिर रिमूव करेंगे। उसके अलावा ये मेम का बाग है, वो इसमें पहले हम नोटिस दिए हैं इनको, फिर इनकी एफ आई आर तो नहीं हुई इनकी, हाँ इनको नोटिस दे दिए दोनों ए और बी, मतलब सोकाज और रेस्टोरेशन, और आज इस तोड़ फोड़ इसके अभी प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस नहीं, मामला एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें उसमें होगी है, इसमें प्रोसेस चल रहा है। और भी कॉलोनियाँ चिन्हित की जा रही हैं और जो भी हमारी पूरी नज़र है महकमे की, जो भी हमें उसमें आएगी तो उसको हम पनपने नहीं देंगे।